जगा भाई वाला तो दोस्तों जो क्लिप आप अभी देख रहे थे वो आपको आगे देखने को मिलेगा। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि हमारे गांव में फूलदेवी का त्योहार कैसे मनाया जाता है। तो मेरा सभी उत्तराखंडी भाई बहनों से फूलदेवी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं और हिंदू नववर्ष की ढेरों सारी बधाइयां। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि सर्दी और गर्मी के बीच का यह त्यौहार है फूलदेवी का त्यौहार। छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल त्यौहार होता है क्योंकि वो घर घर जाके फूल बरसाते हैं हर किसी की देही में जो घर का चौक होता है। लेकिन फूलदेवी त्यौहार के दिन आज बच्चे स्कूल चले गए हैं क्योंकि उनका प्रैक्टिकल था आज थोड़ा स्कूल में। गुन्नू कहाँ जा रहा तू? बोला उसके फूल लेने। तो दोस्तों अभी हम आए हैं बुरांस लेने और दिखाते हैं आपको बुरांस लेने हम कहाँ आए हैं। और हमारे साथ हैं गुन्नू सिंह और ऋतिक सिंह। तो दरअसल मैंने आपको अभी बताया आज सारे बच्चे स्कूल गए हैं और आपने देखा होगा इससे पहले कि बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो इसलिए हम तीन ही यहाँ पर आए, ऋतिक और मैं और गुन्नू। तो भैया जी देख रहे हैं आप हमारे छोटे भ्राता ऋतिक सिंह यहाँ पर बुरांस निकालते हैं, भुला बोलते हैं हमारे पहाड़ों में। तो अभी निकालते हैं भाई साहब हमारे बुरांस, उसके बाद दिखाते हैं आपको खूबसूरती। बिल्कुल टहनी ज्यादा नहीं टोड़नी पड़ती है ताकि अगले साल भी बुरांस लगे, तो थोड़ा थोड़ा ही तोड़ेंगे हम। तो दोस्तों खिलने से पहले आप देख सकते हैं बुरांस ऐसे होते हैं, जो ये ऐसा है ये वाला फूल अभी खिला नहीं है ढंग से, और जो बुरांस खिले हैं वो सामने आप देख सकते हैं ये रे, और जो अभी खिले नहीं है कुछ कुछ खिल रहे हैं, तो काफी खूबसूरत आप देख रहे होंगे अभी यहाँ पर नजारा। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। तो दोस्तों भाई साहब ला चुके हैं बुरांस, अब चलते हैं घर की ओर। तो भैया लुफ्त ले रहे हैं हमारे छोटे भाई यहाँ पर, किसके लुफ्त ले रहे हैं? बुरांस के फूल के। चींटी अंदर होंगे शायद, खा रहे हैं बुरांस ये देखिए। तो दोस्तों ये वाला गाना आपने सुना ही होगा, चला फुलारी फूलों को सौदा सौदा फूल बिरला। तो दोस्तों बुरांस का फूल, अगर आप किसी से प्यार करते हैं ना तो उसको ये फूल दे सकते हैं, क्योंकि तो देखिए काफ़ी खूबसूरत है पहाड़ों में आप देख रहे होंगे, ये देखिए खूबसूरती हमारे फूलों में लग रहे हैं लाजवाब। तो हम भी देंगे किसी को ये कभी, पर अभी नहीं। तो भैया अब हम पहुंच चुके हैं घर और घर में बन रहा है पकवान, तो आपको दिखाते हैं क्या क्या बन रहा है, तो आप देखिए उसके बाद सीधे चलते हैं गांव की ओर। हाँ जी अभी सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, हमारे गांव की सभी महिलाएं मतलब ताई जी और चाची जी दादी जी सभी और छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। तो
तो यही बताएंगे कि अभी हम इकट्ठा क्यों हो रखे हैं यहाँ पर, फिर इनसे ही पूछते हैं और आपको मिलाते हैं सभी से। ये हमारी भाभी जी है, बुआ जी है, ताई जी है, ताई जी है, ताई जी है, दादी जी है, चाची जी है, चाची जी है, और ये छोटे बच्चे पार्टी हैं हमारे, और इधर पे भी हैं, ये भी छोटे बच्चे हैं अभी, और ये दादी जी है, और ये हमारी पूजा दीदी है, इनको तो पहचानते हैं आप, और ये हमारे फोटोग्राफर छुप रहे हैं पीछे, और ये हमारे दादाजी हैं। अब आप लोग बताएं कि आप यहाँ पर इकट्ठा क्यों हो रखे हैं? हम इकट्ठा इसलिए हो रखे हैं कि चेतना महीना है, और पहले हम फुलबुल खेलते हैं, छोटा बच्चा की हम फुलबुल खेलते हैं, ये वजह से हम सब लोग हमें नमस्कार, चेतना शुभकामना सबके लिए नमस्कार, और ये लिए हम सब लोग ये कह रहे कि छोटे बच्चे हम फुलबुल खा जाए, फुलबुल जय बुढ़ेरी ईश्वर। हमारा ये प्रथा था घर में, पहाड़ में हमारी ये प्रथा थी, जब हम छोटे बच्चे थे तो हम ऐसे एक पांच दो थालियां लेके जाते थे, एक कंटी में फूल रखते थे, तो हम सुबह उठते थे, नहाते थे, उसके बाद हम गांव में जाते थे, गांव में बच्चे खेलते थे, फिर जब हम फूल फेंकते रहे थे, हम बोलते फूल खा जा, फूल खा जा, ये बुढ़ेरी शेर चा, हां दिन दिन लुको अभी दिन दिन चेता में लागी है, चेतरी गांव में ना अली वरानो जगा भाई वाला अली वरा दियाला, अर निर्मे तेरी ध्याला बाटा देखे रली, जो भी मिठाई वगैरह लेना था हम साई बहनी गाँव में बांटा, जना भाई रहना वो गीत की भाई निर्मय तेरी ध्यान हुई, तो इसलिए निर्मय तेरी ध्यान बाटा देखी रहनी, जगा भाई वाला अरे वारा गला निर्मे तरी बता। धन्यवाद, बाय बाय बाय। आज हम लोग तुम्हें एक चांदनी दिखा रहे हैं, और जो भी होगा जैसा भी होगा अपने पहाड़ी उसमें कि भाई जैसे भी आगे पहाड़ी पहाड़ी भाषा में, की भाषा में कि हम हर साल यानी कि फुलबुल खा जाए मनो, और फूना खेला हर साल चेता में फुलबुल खा जाए, और व्याकुल हम सब लोग यहाँ पर हमारे माँ मंदिर से, ये वाला मंदिर आप देख सकते हैं, और यहाँ की माता हमारी देहरादून में है, और ये हमारा सबका घर है, माता रानी यहाँ पर अंदर है, और सारे गांव वाले की कुल देवी है, और यहीं पर हम अपने कार्य करते हैं, निभाते हैं, और डांस करते हैं, चांगड़ी झोड़े जो भी हम यहाँ पर लगाते हैं, सब लोगों को हमारा नमस्कार, और जैसी भी चांगड़ी हो हमको भागो दी बगाने की नंदा, भागो दी बसांदा सारी तो भागो दी, 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 भागो दी उदासीला दीना, भागो दी उदासीला दीना, भागो दी भागो इसे तो ये संसारा, भागो इसे तो ये संसारा, भागो इसे तो ये संसारा, भागो ये भादो ये दानिया, भागो ये भादो ये दानिया, भागो भागो दी भागो दी भागो दी।
चैता बैसागो भागो दियो चैता बैसागो भागो दियो चैता बैसागो भागो दी भागो दी देवतानो ली री तो भागो दी देवता ली री तो भागो बारा चढ़ो बासनी भागो भागो दी जे भागेगा बाला भागो दी भागेगा बाला भागो दी जे भागेगा बाला भागो दिनो यो मासा भागो दियो दिनो यो मासा भागो दियो दिनो यो मासा भागो दियो भागो दी भाग्यों लागी जेगा भागो दी भाग्यों लागी जेगा भागो दी भाग्यों लागी जेगा भागो दी यो तेरो बेसागो भागो यो चेतो बेसागो भागो यो चेतो बेसागो भागो यो चेतो बेसागो भागो कोलाना भागो ती कैलासो कोलाना भागो ती कैलासो कोलाना भागो ती कैलासो कोलाना भागो ती माशिगो पुना भागो दी वो माशिगो पुना भागो दी वो माशिगो पुना भागो दी वो माशिगो पुना भागो दी लाखो पुलाना भागो दी लाखो पुलाना भागो दी लाखो पुलाना भागो दी बर रंगागा पुना भागो दी बर रंगागा पुना भागो दी बर रंगागा पुना भागो दी भागो दी यो बारो में नगे भागो दी यो बारो में भागो दी यो बारो में नगे कोरी तो पियारा भागो दी कोरी तो पियारा भागो दी कोरी तो पियारा भागो दी कोफना पियारा भागो दी कोफना पियारा भागो दी कोफना पियारा भागो दी कोफना पियारा भागो दी नदी नयो माशा भागो दी नदी
दिनायो मासा भागो दी यो दिनायो मासा भागो दी यो दिनायो मासा भागो दी वेरी बासांदा जरी तो भागो दी बासांदा जरी तो भागो दी बासांदा जरी तो भागो दी बासांदा जरी तो भागो भायो भागो दी पीठो गा भायो भागो दी पीठो गा भायो भागो दी भागो दी अरे वाले याला भागो दी अरे वाले याला भागो दी अरे वाले याला भागी जा का घोड़ी छजा रे ते मा Bye.
तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारे पहाड़ों का कल्चर? तो अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखा पा रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम आपको अपने पहाड़ों के बारे में थोड़ा बहुत दिखा पा रहे हैं और आपको बता पा रहे हैं कि क्या कैसे हम त्योहारों को मनाते हैं अपने पहाड़ों में। ऐसी वीडियो और आगे भी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में एक छोटा सा कमेंट मार के हमारा हौसला बढ़ाएं और आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेगी। बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं न्यू व्लॉग में।